हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एके टीचिंग क्लासेस। मैं हूं अर्चना, आपकी मैम। मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आप नर्सरी क्लास से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको चाहिए, मैं मैथ से स्टार्ट करूंगी, आप मैथ के लिए नंबर बुक ला सकते हैं। इस तरह की नंबर बुक आप खरीद के ला सकते हैं घर पे। नंबर बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आपको नंबर बुक में प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, है ना। वन वन ओ एनी वन, वन वॉच, वन एलिफेंट, और इस तरह से बॉक्स में वन लिखा रहेगा और आपको बाकी के बॉक्स में भी वन लिखना है। इसको देख देख के आपको बाकी के बॉक्स में वन लिखना है। इसी तरह से एक एक करके सारे नंबर्स आपको लिखना, ये जो बुक है, एक एक करके आप सारे नंबर्स लिखना सीख जाएंगे। तो आपको नंबर सीखने में इस तरह का जो बुक आता है वो काफी मदद मिलेगा आपको उससे, है ना। आप देख सकते हैं टू, टी डब्ल्यू ओ टू। तो यहाँ पे देखिए टू, इस वॉश में कितना टाइम हुआ है तो टू। ये बटरफ्लाई, कितनी बटरफ्लाई है तो वन टू, टू बटरफ्लाई, तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है और फिर इधर टू लिखा हुआ है और ये बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में आपको इसी तरह का टू लिखना है। इसी तरह से पूरा 100 तक आपको इसमें लिखने के लिए सिखाया गया है, ठीक है। ये हो गया नंबर्स, 1 से लेके 100 तक नंबर सीखने के लिए आपको इस तरह की बुक लानी होगी। उसके बाद आता है अक्षर माला। अक्षर माला हिंदी पढ़ने के लिए, ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, है ना। बच्चे इससे बहुत आसानी से लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, अ, अ से अनार, अ से अनार, आ, आ से आम, इसी तरह से पूरा लिखा हुआ है बच्चों। छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंक, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। इसी तरह से बच्चों देख, चित्र देख के आपको पढ़ना है ना। क, क से कबूतर, ख, ख से खरगोश, इसी तरह से पूरा बुक में लिखा हुआ है। तो आप इस तरह की बुक ला सकते हो हिंदी पढ़ने के लिए, और हिंदी लिखने के लिए आप इस तरह का बुक ला सकते हो। मार्केट में बहुत तरह के बुक मिलते हैं बच्चों। ये है अक्षर सुलेख, अक्षर सुलेख, ये आपको लिखने के लिए है। ये देखिए अ लिखा हुआ है और आपको इसी तरह से ये डॉट डॉट करके अ लिखा हुआ है। आपको इस पे पेंसिल चलानी है, उसके बाद जब पेंसिल आप चलाना सीख जाओगे तो आपको इसमें खुद से लिखना है अ। इसी तरह से सारे अक्षर आपको एक एक करके लिखने के लिए इसमें इस तरह का जो बुक होता है उसमें दिया हुआ रहता है। तो आप इस तरह का बुक घर ला सकते हैं। फिर आता है अल्फाबेट्स, इंग्लिश पढ़ने के लिए अल्फाबेट, अल्फाबेट का बुक आप ला सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। ए, कैपिटल ए, ए फॉर एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग भी लिखी हुई है, एप्पल कैपिटल लेटर भी बना हुआ है और स्मॉल लेटर भी बना हुआ है ए, है ना। ये कैपिटल लेटर ए, ये स्मॉल लेटर ए, ए फॉर एप्पल। देखिए और भी है, एफ फॉर एलिगेटर, ये कैपिटल ए,
ये स्मॉल ए, ए फॉर एलिगेटर। तो आप इस तरह का भी बुक ला सकते हैं अल्फाबेट पढ़ने के लिए, है ना, अच्छी बुक। मैं कोई इसका प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ। बच्चों किसी भी तरह का बुक आप ला सकते हो, मैंने बुक का नाम आपको नहीं दिखाया है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए नर्सरी के बच्चों को इस तरह का बुक लाना चाहिए खरीद के, ठीक है। अगर आप खरीद के ला सकते हो तो, और अगर आप नहीं खरीद के ला सकते हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो पे पढ़ सकते हो, है ना, यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हो। तो इस तरह का बुक आप नर्सरी क्लास में पढ़ने के लिए ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।